सबसे पहले आज मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। वो ऑडियो है शहीद चंद्रपाल सिंह की वीरांगना का। वो भी इन अधिकारियों के शोषण का शिकार है। सबसे पहले उनका ऑडियो सुनो, फिर मैं आपको कुछ कहता हूँ। मैं रुद्रा बोल रही हूँ, शहीद चंद्रपाल सिंह की पत्नी, और फौजी भाई हैं जो रविंद्र फौजी भाई, उनके पास मैं ऑडियो भेज रही हूँ बना के। हमारे साथ भी अधिकारियों ने बहुत शोषण किया है, बहुत टॉर्चर किया है, हमको भी, मेरे बच्चे को भी किया करते हैं। और वो अपना उन अधिकारियों का कहना चाहती हूँ कि मेरे पीछे जो है मत भेजिए किसी बंदे को, ना भेजें, वरना उनकी जिम्मेदारी होगी। और मुझे कुछ हुआ, मेरे बच्चे को कुछ हुआ, हमको कुछ भी हुआ, तो उन्हीं दोनों उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके बंदे ना हमको परेशान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, अभी आपने जो ये ऑडियो सुना, ये लगभग 3 मिनट का ऑडियो है, मैं आपको आगे सुनाता हूँ। ये आगे अपने ऑडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे इनके साथ अत्याचार किए गए। और आज एक खुशी की बात है कि इन्होंने कहा है कि अब मेरे बच्चे की मैंने शादी कर दी है और वो अपने पैरों पर खड़ा है, और आज के बाद मैं आपका साथ दूंगी। आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, और जो आप कहते हो ये अधिकारी तानाशाही, वास्तव में बोले ये अधिकारी अधिकारी नहीं, ये सजा के अधिकारी हैं। ये वास रैंक को बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि ये तो गरीब पुअर फैमिली से हैं। ये लोग हमारे को बिल्कुल ऐसे नज़रों से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि मेरा बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, तो उनको पता था कि ये वार्स का बच्चा था, तो उनको गालियां देते थे, तंग करते थे, बोलते थे तू ऑफिसर बनने आया, तेरे को तो हम ऐसा सीधा कर देंगे, तू भाग जाएगा यहाँ। और अंत में 12वीं का जब वो पेपर देने लगा तो उसको भगा दिया, बहाना मार के कि अगर तू पेपर देगा तो तू फेल हो जाएगा, हमारे स्कूल का रिजल्ट डाउन हो जाएगा। फिर जब इनकी माता जी जब ये जाती थी तो इनके साथ भी मतलब बदतमीजी से बात करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे कि ये तेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये तो बेकार है, तुम तो वार्स फैमिली के हो, मतलब ऐसी बातें ये लोग बोलते थे। और उससे परेशान होकर इन्होंने अपने बच्चे का टीसी कटवा कर फिर इन्होंने सिविल में पढ़ाया। और जब इनकी शिकायत इन्होंने ऊपर इधर उधर कहीं बताई तो वो लोग इनके पीछे अपने बंदे लगा दिए कि कैंट CHD में जाती है तो क्या कर रही है, ECH में जाती है तो वहाँ इनके बच्चों को बार बार ये बोलना कि तू तो किसी काबिल नहीं है, तेरी माँ ऐसी है, इनको इतना टॉर्चर कर दिया। इन्होंने CHD में जाना भी छोड़ दिया, ECH में जाना भी छोड़ दिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर मेरा कुछ होता है तो वो दोनों अधिकारी जिम्मेवार होंगे। एक शहीद की वीरांगना को ये इस तरह परेशान कर रहे हैं, मतलब इनके लिए सिर्फ ऑफिसर, अफसर के बच्चे और उनके परिवार, बस उन लोगों की तो ये बिल्कुल ऐसे भाषा मिलती है इनकी। कहीं भी अफसर को अफसर की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी कोई काम होगा तुरंत चुटकियों बजाकर करेगा। लेकिन हमारी रैंक के अंदर तो हमारे ही बंदे हमारे बंदों की टांग खींचेंगे, चुगली करेंगे अपने प्रमोशन और अपने रैंक के चक्कर में। क्या इसीलिए उन्होंने शहादत दी थी कि भाई मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? मैं आज भी हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जग जाओ। जैसे एक लेडीज होकर इन्होंने कहा कि हाँ मैं आपका साथ दूंगी, जहां बोलना होगा बोलूंगी, जहां लड़ना होगा लड़ूंगी, तो बाकी क्या रिटायर्ड होकर, मैं मुझे पता है कि बोलते ना पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं होता, मुझे भी पता है। मैं खुद बहुत से बंदों को कहता हूँ कोशिश करो मामले को हल हो जाने दो, वहीं जब पानी इससे ऊपर आ जाता है ना तब बंदे हमें फ़ोन करते हैं। जैसे कल परसों ही मेरे पास एक बंदे ने फ़ोन किया कि सर मैं सेना का लैश नायक हूँ, 13 साल सर्विस है और मेरा CHM बोलता है कल का, बोलते ना फिर मेरे मुंह से जब बदतमीजी निकलती है तो फिर वो बकवास करते हैं कि सर गलत मत बोला करो, कल का लोंडा एक लेफ्टिनेंट बन के आया है, ठीक है अफसर है, उसके लिए बोले मेरे को बोलते हैं कि भाई 2-3 दिन तो काम निकाल दे, कोई सिपाही दूसरा छुट्टी इधर उधर गए हैं, कोई शिव साहब का सहायक है, क्योंकि सिपाही को तो अब इन्होंने ऐसे बना दिया सिर्फ सहायक गिरी में ही, और जब सिपाही सहायक गिरी में रहेगा तो भाई ड्यूटी नायक हवलदार ही देंगे, फिर घास काटेंगे कौन, जैसे हो तक घास काटेंगे। तो बोला सर मेरे को बोला कि जा उसका खाना रख दे बस, खाली और कुछ मत करना। तो मैंने मना भी किया तो सीनियर जैसे ऊपर चढ़ गया मेरे और बोला तेरे को कंपनी कमांडर को मिला देंगे, घर भेज देंगे। उस बंदे ने मेरे को बोला मैं क्या करूँ, मैं बोला ठीक है आप ऑर्डर फॉलो करो,
और मेरे को बोलते लिख के दे, मैं बोले उनको बोलो कि मेरे को लिख के दे दो, या आप ठीक है जाओ, साइट का काम है खाली सूचना आदान प्रदान करना, किसी का कमरे में जाके खाना देना या उसका टिप्पण उठाना या बूट पॉलिश का काम नहीं है, आप जाओ, वो क्या करवाता है उसको मना करके आ जाना। बोला कि मेरे को इतना डरा दिया सर, मैं जाके एक दिन उसका मजबूरी में खाना भी रखा गया, तो श्रीमान जी ने टिप्पण नहीं धोया, वो ऐसे कैसे रखा रहा, मैं जाकर जब वो मैस में दिया कि खाना, बोले भाई इसको धोकर कौन लाएगा, बोला फिर मेरे को उसका वो टिप्पण धोना पड़ा। फिर जब ले जाकर दूसरे दिन मैंने साहब को बोला कि साहब वो टिप्पण धोने के लिए, तो बोले यार हमारा तो वहाँ आई हम सब सब्जी के ये लड़के ही धोते हैं। मतलब वो खुद ही 23-24 साल का लोंडा एक 13 साल के सिपाही को बोल रहा है, जिसकी एज होगी मान लो कि अगर 18 से हम भर्ती हो रहा है तो 30 साल, 30-32 साल एज होगी, उसको 24 साल का बोल रहा है कि हमारे तो लड़के ही धोते थे, तुम्हारे जो आते थे वहां भी। तो ये सिस्टम कब बदलेगा? और बोला मेरे को तो बोला था कि यार मेरा बूट भी देख लेना, मेरी वर्दी प्रेस करा के लग। क्यों भाई? आर्मी ऑर्डर में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कर्नल एंड अबव को एक एक लागू है, वो भी फील्ड में सूचना आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन इनके तो यहाँ मैडमों, बच्चों की, कुत्तों की सेवा करने के लिए जवान क्यों, इसके लिए क्यों नहीं मेरे देश की जनता बोलती? और इतने मैं कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा कौन लोग होगा, रिटायर्ड होकर अपने बच्चों को भी उसी में धकेल देते हैं, फिर उनको भी बोलते हैं तुम भी कर लो, जो आवाज नहीं उठा रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि सर मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा, और मैंने तो एडीपीजी पर नौकरी की है, लेकिन जो कर रहा है वो तुम्हारा भाई है कि वो बाहर से पाकिस्तान से या कोई चाइना आर्मी का आके कर रहा है क्या? वो दाग है, उसके मिटाने के लिए लड़ो, जगो, प्रयास करना। मेरे को पता है कि बहुत पुरानी बीमारी है, जैसे अंग्रेज कई सालों में गए थे, ऐसे ही इन काले अंग्रेजों के अंदर ये जो भरा हुआ है ना, इनको सिखलाई ऐसी है भाई, एनडीए से ही आज भी वही ट्रेडिशन जो चलता है, इनकी ट्रेनिंग का, इनका बोलचाल का तरीका, इनको पूरा बिल्कुल एक बोलते हैं ना कैडिट, ये भारतीय मतलब अफसर तैयार नहीं करते, या अधिकारी तैयार नहीं करते, ये आज भी सैम बॉय जैसे अंग्रेज बोलते थे ना, कैडिट को तैयार करो, फिर वो कैडिट एक मतलब है, सारी की सारी अंग्रेजी ही पढ़ाई होती है इनकी, और अंग्रेजी ही बोलचाल, तो ये वही सीखते हैं कि कैसे सिर्फ जवान को दबा कर रखना है और आपको एक लेफ्टिनेंट बहन जो से बनना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर बहन का भी जो वीडियो है मैं वो भी दिखाना चाहूंगा, और यहाँ सिर्फ इतना ही कहूंगा, जग जाओ, आपकी वर्दी के अंदर जो दाग है इसके लिए फाइट करो, लड़कर आप सिर्फ रिटायर्ड होकर अगर हर आदमी बोलने शुरू कर दे कि हाँ बस छोटा सा वीडियो कि हाँ आज भी सेना में ये चल रहा है और ये चीजें बंद होनी चाहिए, तो बहुत चीजें बंद हो जाएंगी। कोई नहीं आएगा वहां से कि भाई वहां 17 साल करके, आज कोई भी जाता है सेना में जाने के लिए लाखों की भीड़ है, उसी तरह लाखों की भीड़ वहां जाकर सिर्फ एक ही टारगेट करती है कि मैं 15 साल में चला जाऊं। बहुत से लोग सुसाइड कर गए इस सिस्टम से, बहुत से लोग नौकरी छूट रहे हैं, बल्कि सेना की नौकरी बोलते हैं ना फौज है आलीशान, मगर चमचों से और इस सिस्टम से है परेशान। तो मैं सिर्फ इस सिस्टम के और उन चमचों के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनमें कोई तो मर्जी से करने वाला, लेकिन कोई जब एडी पंजी वाला फंस जाता है ना, वो बेचारा रगड़ा जाता है, फिर उन रगड़ की वजह से ही ना लोगों को टाइम से छुट्टी मिल रही है, ना और वेलफेयर मिल रहे हैं, और वो जो वहाँ 1 घंटा अपना बूट पॉलिश और कुत्ते घुमाकर स्पीड बराकर बनाकर जो सो रहे हैं ना, और फिर लाइन में सो सो कर चुगली भी करते हैं कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन कुछ एक चमचों और उन आरामखोर इन अधिकारियों की वजह से सेना खराब है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जैसे आज इन बहन का जमीर जगा है और ये लड़ने के लिए तैयार हुई है, आप तो इंसान हो, लड़ो यार, आकर वो दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, मतलब जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करने के लिए आए हो क्या? अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के अलावा किसी दूसरे, या बोलते ना सर सेना बहुत अच्छी है, सेना का नमक खा के क्यों बोल रहे हो, वो मेरा घर है सेना, और मैं उस घर को खरपतवार जो उसमें है ना, उसमें खराब चीजें उनको साफ करने में लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हमारे से जुड़े हुए हैं, सलामी देते हैं, उनको मैं सलूट करता हूँ, और जो जिनके अंदर डीएनए मिक्स है, जो अपने आप को आज भी अंग्रेज समझ रहे हैं, उन लोगों की पोल खोलने के लिए और उनको इस तरह की सही लाइन पर लाने के लिए ही मैंने चैनल बनाया है। चैनल से जुड़ो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रुद्रा बोल रही हूँ, शहीद चंद्रपाल सिंह की पत्नी, और फौजी भाई हैं जो रविंद्र फौजी भाई, उनके पास मैं ऑडियो भेज रही हूँ बना के। हमारे साथ भी अधिकारियों ने बहुत शोषण किया है, बहुत टॉर्चर किया है, हमको भी, मेरे बच्चे को भी किया है। मेरा बच्चा जो है मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम दो अधिकारी थे, प्रिंसिपल और
एक एडम ऑफिसर 2014 में वहाँ से निकल गया था, वह मेरा बेटा वहाँ से। उन्होंने बहुत टॉर्चर करते थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पिटाई भी करते थे, गाली भी देते थे। और मैं जाती थी मिलने तो मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करते थे। मैं इसके ऊपर एक कल वीडियो बनाऊंगी, वैसे मैं अभी एक ऑडियो भेज रही हूँ भाई जी के पास। और मैंने बहुत सारे आपके वीडियो देखे हैं, और उन बहनों के साथ, बहनें जो हैं, और भी बहनें हैं जो इनका शिकार हुई हैं, उनके टॉर्चर का, और किन्हीं को पेंशन नहीं मिल रही है और बहुत परेशानी हो रही है उनको, और मैं भी हूँ, और हम सब साथ मिल करके इन अधिकारियों को जो है हटा सकते हैं। और इन अधिकारी, ये अधिकारी नहीं, दंड के अधिकारी हैं वो। वो सिर्फ दंड के अधिकारी हैं, कोई अधिकारी नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा मात्रा में ऐसे अधिकारी हैं, बहुत कम ही अच्छे हैं, बहुत कम ही अच्छे अधिकारी हैं जो कि सही से काम करते हैं, वरना ज़्यादा मात्रा में भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं। तो उनको भगाने के लिए हमको साथ में संगठन बनाना होगा और साथ में इकट्ठा होना होगा। और कोई भी मेरी बहन ये ना समझे, सोचे कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत फूट गई, ऐसे मत सोचिए, ऐसा मत समझिए। मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ जिनको जिनको अधिकारी जो है फैसिलिटीज सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं। मुझे हालांकि मैं मुझे मिल गई है, पर मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सब सुविधाएं लेने में, पर वहाँ लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, हो रही है। मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, और अभी भी एक अधिकारी का ने तो अपना पूरा परिवार ही मेरे पीछे लगा दिया, जगह जगह जाके उनका परिवार जो है बहुत बदतमीजी करता है मेरे साथ। और मैं उनका वीडियो, मैं वीडियो बनाऊंगी तब तो उनका नाम भी लूंगी और बताऊंगी कौन करते हैं। और वो अपना, उन अधिकारियों को कहना चाहती हूँ कि मेरे पीछे जो है मत भेजिए किसी बंदे को, ना भेजें, वरना उनकी जिम्मेदारी होगी। और मुझे कुछ हुआ, मेरे बच्चे को कुछ हुआ, हमें हमको कुछ भी हुआ, तो उन्हीं दोनों, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके बंदे ना हमको परेशान करते हैं। और कभी कैंटीन में, कभी कहीं, कभी मैं कहीं जाती हूँ तो वहीं पे जा कर के उसके बंदे आते हैं, उनके परिवार के लोग, और कभी उसका भाई, कभी उसका बाप, तो ये सब बहुत बदतमीजी करते हैं हमारे साथ, मेरे साथ। और हम, मेरे जैसी जो बहनें हैं, सभी मिलकर हम साथ में इकट्ठा हों और इन अधिकारियों को सबक सिखाएं, और ये अधिकारी दंड के अधिकारी